तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अबे तो भोसड़ी अबे बकती कर रहे हैं इंडियन आर्मी इज सो लफी पीपल लाइक मी भकचूत तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जहां जाना हर एक लड़के का सपना होता है ए रहा नहीं जाता बड़ा हरामी <laughs> हो अबे भोसड़ी वालों कभी तो थरक एक साइड में रख दिया करो तो करते कराते मतemate हम पास आउट हो चुके थे एनडीए से अब एनडीए से पास आउट हुआ कैडेट मोदी जी और गोल्ड कॉफी तीनों को यही लगता है अपन ही भगवान है डेटोल बोलता है हमारे हम 99.9% परसेंट कीटाणु ये जो 0.01 पॉइंट जीरो एक परसेंट कीटाणु बच जाते हैं ये होते हैं इन्हीं केडेट की गांड में क्योंकि इनको चिल बची रहती है तो यस बैक टू स्टोरी बाई अब एनडीए से पास आउट होने के बाद मिलती है एक लंबी छुट्टी और फिर करना होता है हमें को ज्वाइन अब बोलते हैं ना जब किस्मत ही हो एंड तो क्या करेगा पांडू मुझे शर्मा और त्रिपाठी को एक ही कंपनी मिल गई थी आई में हाँ जैसे एनडीए में स्कॉर्डन होते हैं वैसे ही आम में कंपनी भी होती है और बस यही नहीं दुखड़ा तो भी स्टार्ट हुआ था रवि को मिली थी हमारी ही बटालियन तो ये सबसे बड़ा झटका था हम लोगों के लिए अब भाई एक्सएनडीएस एनडीए आई एमए से ऐसे बनते हैं कि जैसे यही सब कुछ है अब करें भी क्यों ना आखिरकार तीन साल ट्रेनिंग जो करके आए हैं अब हम तीनों आए कंपनी में पहले ही दिन और हमें मिले अपने एन के सीनियर्स जो अब अपॉइंटमेंट बन चुके थे हमारे एस जिसे सीनियर अंडर ऑफिसर भी बोलते थे वो था एक टायरेक्ट एंट्री और भगवान का ही रूप था भाई था हद परफॉर्मर मेरिट कार्ड क्रॉस कंट्री बॉक्सिंग मेडलिस्ट एटसेट्रा एट्सेट्रा सच बताऊँ तो इसी को देख मेरे मन में डायरेक्ट एंट्री के लिए पहली बार इज्जत आई थी अब हमें सारा सामान वगैरह इशू हुआ और शुरू हुई हमारी घसा परेड अब एक्स को डायरेक्ट एंट्री से एक हफ्ते पहले ही बुला लिया जाता है और बहुत बजाया जाता है ऑल थैंक्स टू अवर पूर्वज जिन्होंने कुछ ऐसे चुतियापे और कांड किए हैं कि अभी तक घसा परेड चल रही है भाई अब एज एक्सेंडी एक ही होती है तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो और एक हफ्ते में इसी गलत फैमिली को दूर किया जाता है अब जब एक घरसा परेड खत्म हुई तो डी पार्टी आई तो थोड़ा सुकून मिला अब आया हमारा डी पार्टी के साथ पहला ड्रिल पीरियड अब इसमें हमें मिला हमारा कैंडी का है ड्रिल इंस्ट्रक्टर जिसका हर जगह खौफ था और इसने आईमी में भी खौफ बना कर रखा हुआ था तो उस दिन हमारी कंपनी का ड्रिल उस्ताद नहीं आया था किसी वजह से और रवि की कंपनी का ड्रिल उस्ताद हमारे बगल में ड्रिल करवा रहा था और उसने बोला कि चलो तुम्हारा उस्ताद नहीं है तो मैं तुम्हें ड्रिल करवा देता हूँ तो उसने दोनों कंटेंजेंट को ड्रिल करवाना शुरू कर दिया अब हम चुपचाप करके ड्रिल पीरियड में ड्रिल कर रहे थे कि रवि की कान में मची चूल और भाई ने बोला ओए राहुल यहाँ की ड्रिल कितनी लस्सी है भाई जो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं होता मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ड्रिल करता रहा अब रवि था हद लेवल का मकरा सब ड्रिल कर रहे हैं और वो पैदल ही नहीं उठा रहा है मात्र चौदह ना हैंड स्विंग कर रहा है ड्रिल साहब का हुआ दिमाग खराब और उसने बोला कैडेट आप कौन सी एंट्री हो रवि ने बड़े प्राउड से बोला साहब एक्सेंट ये हूं मैं ड्रिल साहब ने उसको निकाला और उसको पेलना शुरू कर दिया और हमारा पूरा कंटेंजेंट खड़ा होकर मजे ले रहा था अब रवि इस लेवल का मकरा था कि वो पनिशमेंट में भी मकरा मार रहा था दिल उसको हॉन्चिंग करवा रहा है, तो वो कर ही नहीं रहा है दिल ने बोला सारे एक्स बाहर आ जाओ और सारे बाहर आ गए उनको पेलना शुरू कर दिया मैं शर्मा और त्रिपाठी नहीं गए बाकी जो चार पंच थे वो चले गए और पेलना शुरू हो गया हम इतने बेशर्म थे कि हम डायरेक्ट एंट्री के पीछे चुप कर खड़े थे भाई देखो हाँ हमें हा, जाना चाहिए था बाहर पर पनिशमेंट को इनवाइट करना क्यों चाहोगे तुम अगर बच सकते हो तो बचो ना। अब वो की रेल बना रहा था और हम तीनों डायरेक्ट एंट्री के पीछे चुप कर मजे ले रहे थे अचानक से रवि ने बोला साहब ये राहुल शर्मा और त्रिपाठी भी मेरे ही स्कॉर्डन के हैं साहब ने हमको बाहर निकाला और बोला कैडेट आपको सुनाई नहीं दिया था जब मैंने पहली बार आपको बाहर बुलाया था तो इस पर शर्मा माधर ने खेली चटकी स्मार्ट एक्ट शर्मा के पापा थे सिविल डॉक्टर और शर्मा आई की पूरी तैयारी करके आया हुआ था शर्मा ने जेब से निकाली एक मेडिकल स्लेप जिसके ऊपर लिखा था सेंसरी न्यूरल हियरिंग प्रॉब्लम अब ड्रिल साहब बेचारे ठहरे भोले आदमी उनको लगा कि शर्मा को शायद सही में दिक्कत होगी और बोला डेट अब खड़े हो जाइए सबके साथ और हमको बोला तुम दोनों बाहर आ जाओ और ये बताओ कि क्या तुम्हारे भी कान में दिक्कत है क्या मैं कुछ बोलता इससे पहले ही रवि ने बोला साहब मैं चाहे ही मकरा मार रहा था पर मैंने झूठ नहीं बोला और साहब मैं अपनी गलती मानता हूं और आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा दिल साहब ने सब एक्स को छोड़ दिया और बस अब हम दोनों ही बज रहे थे वो बोलते हैं ना चटक के डेट दो बार चुतता है <laughs> तो वही हुआ पहले साहब ने हमें पूरे दो पीरियड बजाया और फिर लाइंग टू ड्रिल इंस्ट्रक्टर का चार्ज लगाकर हमें ईडी भी दे दी यानी एक्स्ट्रा पनिशमेंट एक्स्ट्रा ड्रिल अब ड्रिल पीरियड के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ क्लासेस वगैरह हुई और आ गया दोपहर का टाइम ईडी का एक्स्ट्रा ड्रिल का अब हम दोपहर को दो बजे खड़े हैं जीरो पॉइंट पर अब तुम सोच रहे होगे कि ये जीरो पॉइंट क्या है भाई ये जीरो पॉइंट वो जगह है जहाँ सबका जोश ठंडा किया जाता है जो आया हीरो बनकर उसको जमीन पर लटा के पेला जाता है और तब तक बजाया जाता है जब तक वो हीरो से जीरो ना बन जाए अब भाई धूप इतनी तीखी थी कि भाई जो कसम से सर से घुस रही थी और गांड से बाहर आ, आ पैप से बाहर आ रही थी और परेड ग्राउंड इतना गर्म था कि जो जैसे तंदूर हो अब हम आए जीरो पॉइंट पर और देखा कि वहां बस हमें ही दो चूतिये खड़े थे इंडिया की भाषा में इन लोगों को बोला जाता है यानी कि नमूने अब हम आए ड्रिल स्क्वायर में तो देखा कि वहां पे जीआर के एक ड्रिल उस्ताद खड़े थे उनको देखकर हमने जोर से जहिन साहब बोला कि शायद जोश दे छोड़ देगा उस्ताद पर आगे से बोला उस्ताद ने खटट शाला तुम लोगों की वजह से मेरा आफ्टरनून खराब हुआ है अभी मैं मौसम होता अब मैं तुमको बहुत बचाएगा सीरियसली मेरी और त्रिपाठी की फटकर फ्लावर हो चुकी थी अब मुझे और त्रिपाठी को दिल ने बहुत बजाया बहुत बजाया बहुत बजाया इतना बजाया कि दिल के आगे जॉनी सिंस भी फेल होता नजर आ रहा था <laughs> अब चालीस मिनट के बाद ड्रिल उस्ताद ने मुझे बोला कि जाना है वापिस आपको तो मैंने बोला जी साहब उसने बोला लंच करना है मैंने बोला जी साहब लंच करना है अब उसने त्रिपाठी को बोला कैडेट अब बहुत शांत हो अब त्रिपाठी भाई सही में मिर्जापुर के त्रिपाठी साहब की तरह थे उनको लंड उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था किसी भी चीज़ से त्रिपाठी की एक बात बहुत ही फेमस थी हमारे सारे कोर्समेट में त्रिपाठी एनडीए अपनी सेवन्थ अटेम्प्ट में आया था और वो हम सबसे काफ़ी मच्योर था त्रिपाठी को हम लोग बुढा बाबा जहाँ ओल्ड मोंक भी बुलाते थे त्रिपाठी भाई था स्टड स्ट्रेट फॉरवर्ड और कत्ते ही जहर लौंडा उसको ना तो चुतने से डर लगता था और ना ही किसी हिसाब से अब साहब ने उसको दोबारा बोला हाँ त्रिपाठी तुम बहुत शांत हो तो आगे से त्रिपाठी ने बोला तो क्या मादर चौध जगराता करूँ मादर चौध उसने नहीं बोला था ये फ्लो फ्लो में निकल गया है इसको काट देना डिल उस्ताद ने उसको नीट उठ करवाए पंपिंग वगैरह करवाई और बोला हाँ त्रिपाठी जी लॉन्च नहीं करना है अब त्रिपाठी की एक बात पूरे कोर्स में फेमस थी कि जब उसका दिमाग घूमता था वो डिल उस्ताद तो क्या एडेंट की भी मदर की सिस्टर करने की हिम्मत और ताकत और गांड में गूदा रखता था अब त्रिपाठी भाई का दिमाग खराब होने लगा था डाद ने दोबारा पूछा हाँ सिपाही, लाश नहीं करना है तो त्रिपाठी ने बोला नहीं डु उस्ताद ने बोला क्यों तो उसने बोला कि साहब मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ अब त्रिपाठी भाई थमाचे की तीली की तरह पतला और बोल रहा था कि वो डाइटिंग पे है डिल्स साहब समझ चुका था कि पक्का एक्स है दिल साहब ने पूछा त्रिपाठी आपकी कौन सी एंट्री है त्रिपाठी बोला एकदम मरियल और नॉन इंट्रस्टेड आवाज में साहब अब ये जो जीआर वाले होते हैं इनको एक बात के लिए जाना जाता है बहुत ही प्यारे होते हैं और बाद में हमें पता चला था कि इस उस्ताद का नाम गुरुंग बहादुर था और हम इनको गुरुंग साहब ही बुलाते थे तो गुरुंग साहब बोले पाका लंच नहीं करना त्रिपोठी बोला सब अगर आपको भूख लगी है तो सीधा बोल दो मेरा क्यों नाम बदनाम कर रहे हो अब जियर वाले जैसे मर्जी हो दिल के अच्छे होते हैं और ये मैं बता चुका हूँ गुरुंग साहब फिर से बोले त्रिपाठी तुमको तो मैं कल कंपनी में देख लूंगा अब उन्होंने मुझसे बोला हाँ राहुल कौन तो सी एंट्री हो मैंने सोचा कि अगर एक्स एंड बोलूंगा तो पक्का बजाएगा तो मैंने जोर से बोला तेजी सी साहब अब इस पे त्रिपाठी की हंसी निकल गई साहब ने बोला मेरे को बेवकूफ समझता है तुम लोग साहब ने त्रिपाठी को छोड़ दिया और मुझे एक्स्ट्रा बीस मिनट बजाया मुझे बाद में पता चला कि गुरुंग साहब मेरी ही कंपनी के दूसरे ड्रिल थे और इनको सबके बारे में सब पता था वो कहते हैं ना चटकी डेट दो बार चुकता है अब जब हम वापस आए मर मरा कर तो शाम के गेम्स का टाइम हो चुका था हमारे डी ई ने बोला कि टाइम पे आ जाना वरना फुटबॉल कैप्टन बहुत जो देगा बहुत बजाएगा अब हम मरने ही वाले थे मैं खुद की बात कर रहा हूँ भाई देहरादून में ठंड और गर्मी दोनों चुप तरफाड़ पड़ती है और भाई मैं तो पूरा डिहाइड्रेट हो चुका था अब क्योंकि त्रिपाठी मेरे से बीस मिनट पहले छूट गया था तो मैं उसके रूम में गया और बोला भाई ग्लूकॉन डी पिला दे त्रिपाठी ने आगे से मुझे दिया कोल्ड कॉफी का आधा भरा हुआ जग और बोला भड़वे जल्दी पी ले नीचे गेम्स के लिए भी जाना है और तू मुझे लेट करवा रहा है माँ कह सैम अगर त्रिपाठी लड़का होता तो उस दिन प्यार हो जाता उससे और शायद चुम्मी भी ले लेता अरे नहीं लीमा वाला नहीं हूं मैं अब हम गए ग्राउंड में तो हाँ, फुटबॉल कैप्टन खड़ा था तो उसने हमसे बोला हाँ त्रिपाठी और राहुल फुटबॉल खेलते हो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत ही प्यार से बोला नहीं सर हमने तो आज तक कभी फुटबॉल को हाथ न भी नहीं लगाया है अ, मतलब फुटबॉल को कभी पैर भी नहीं लगाया है तो फुटबॉल कैप्टन ने हमें रोलिंग स्टार्ट करवा दी दे रोलिंग दे रोलिंग दे रोलिंग करवाई और बोला जो ऑशन पैट्स पहन लो और हाँ जब तुम झूठ बोलते हो तो तीनों कोर्समेट कोऑर्डिनेट कर लिया करो तब मैं समझ गया था कि सारी कहानी है क्या जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो शर्मा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था भाई जल्दी आ जाओ तुम्हारी बेटी कर रहे थे मैंने तो सबको बता दिया है कि तुम एनडीए में फर्स्ट रिंग खेला करते थे तो मैंने और त्रिपाठी ने एक दूसरे को देखा और बोला मदरचू तो अपना मुंह पंद रखे कर अब यार एक बात तो है गेम्स ऐसी चीज़ हैं अकेडमी में कि तुम चाहे जितना मर्जी थक जाओ मर जाओ चुझ जाओ पर एक बार अगर तुमने ग्राउंड में पैर रख दिया तो तुम्हारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है अब टाइम कटता गया और बहुत सारे कांड होते रहे अब क्योंकि हम फुटबॉल में फोकस थे और हमारे पास थे अच्छे प्लेयर्स हमारे पास थे अच्छे प्लेयर्स मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो हमारी फुटबॉल ट्रॉफी भी आ गई थी अभी तक अगर तुमने ये सुन लिया है और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रवि को तुम्हारे घर भेज दूंगा और उसको तोड़ साले

वही वमन द फुटबॉल ट्रॉफी और फौज में एक बात बहुत ही मस्त है इफ़ यू डू गुड यू आर रिवार एंड मस्त पार्टी होती है अकेडमीज में ऐसी पार्टीज को जैम सेशन का नाम दिया जाता है जैम सेशन में मस्त डीजे बजता है पार्टी चलती है और कोल्ड कॉफी पेस्ट्री भी चलती है अब हमारा जैम सेशन चल रहा था और हमें पता भी नहीं चला कि गुरुंग साहब कब कंपनी में दाखिल हो चुके थे वेरी सीरियस नोट गाना जो लगा था वो ऐसा था कि गुरु साहब का दिमाग खराब हो गया अरे मजाक कर रहा हूँ। गाना ये नहीं था गाना जो था वो था अगर तुमने ये गाना नहीं सुना है तो तुम जाकर छोटा भीम देखो और तुम सोच रहे होगे कि सर इतने गंदे गंदे गाने क्यों बज रहे थे तो आ सन सही में बता रहे हैं जब खुशी का माहौल होता है तो सब इतने खुश होते हैं कि किसी भी चीज पर नाच रहे होते हैं सब इतने क्रेजी हो रखे होते हैं कि एक कैडेट जैम सेशन में जनरेटर की आवाज के ऊपर भी दो घंटे नाच सकता है तो गुरुंग साहब आए हमारे पास और बहुत नाचे बहुत नाचे बहुत नाचे और जाते समय बोले कल जीरो पॉइंट पे आ जाना सब माँ चूट गई तो मिलते हैं जल्दी अगले ही एपिसोड में तब तक पढ़ते रहो मजे करते रहो और लाइफ जीते रहो क्योंकि यू लिव ओनली वंस